हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिखो स्टेनो एकेडमी। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ नई आउटलाइंस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन नंबर फर्स्ट से लेकर ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5 तक की, फ्रॉम कैलाश चंद्रा। ये सेशन आज का बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं कुछ आउटलाइंस इसमें डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये आउटलाइंस देखी हो और मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि ना देखी हो। तो कुछ आउटलाइंस मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ये हेल्पफुल आपके लिए इसलिए है जो 80 वर्ड पर मिनट पर लिख रहे हैं या उससे कम लिखते हैं। अगर वो इन्हें यूज़ करेंगे तो उनके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा 80 तक जल्दी पहुँच पाना। इसके अलावा जो लोग 100 WPM यानी ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आउटलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप स्पीड पे होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको वर्ड्स कैच करना। प्रैक्टिस के साथ आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि अगर आप शॉर्ट आउटलाइंस यूज़ नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट आउटलाइंस यूज़ करते हैं, नई आउटलाइंस यूज़ करते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपने अपनी स्टेनो रीड करनी है और वो भी एक्यूरेसी के साथ। इसके अलावा एक सेक्शन में बताना चाहता हूँ आपको कि जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक फ्रेज़ है 10 वर्ड्स का ऑलमोस्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस, या फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। इस तरीके का जो फ्रेज़ है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स एक साथ हैं, तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी है जॉइनिंग के साथ, तो ये आपको पेपर में दिक्कत देगा ही देगा क्योंकि हो सकता है डिक्टेटर एक साथ इनको नरेट करे और वहाँ पर आपको लगेगा कि यार स्पीड तो इसने 85 से 90 पे ले गया। और ये मैं, बहुत बड़ा भ्रम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि SSC की ट्रांसक्रिप्शन 90 WPM पर चले जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जैसे कि 80 से वो शुरुआत करते हैं, फिर बीच में 78 और कहीं कहीं पर 82-83, इससे ऊपर नहीं जाती। ये लोगों ने भ्रम बना रखा है कि स्पीड 90 चले गई, स्पीड इतनी चले गई, उतनी चले गई। ये प्रॉब्लम उन्हीं को आती है, सपोज़ आपको जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स नहीं आते, आपको शॉर्ट आउटलाइंस नहीं आती हैं, आपको ग्रामर लॉगस नहीं आते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वर्ड्स पूरे पूरे बनाने पड़ेंगे। जब आप वर्ड पूरा पूरा बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि स्पीड तो न जाने कितनी तेज़ चल रही है। ऐसा ही होता है 2013 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्किल टेस्ट देने गया था, तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि यार स्पीड तो यार 85 से 90 के बीच में चले गई बीच में। लेकिन जब स्टेनोग्राफी मुझे कम्प्लीटली आ गई, उसके बाद मुझे समझ आया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद से मैंने SSC के जो भी स्किल दिए हैं और DSSB का जो मैंने स्किल दिया है, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मेरी एक्यूरेसी ऑलवेज़ 1% से नीचे ही एरर मेरी आई है। तो अब आपको क्या करना है, जो मैं आज आपको नई आउटलाइंस कुछ बता रहा हूँ, अगर आपके पास इनका कुछ अल्टरनेटिव है इससे इजी, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज़ का खास ध्यान देना, एग्ज़ाम से एक महीना पहले कोई नई आउटलाइंस यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर मैं अभी प्रेजेंटली बात करूं तो आई बिलीव कि SSC का 2017 का जो स्किल टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 15 के आसपास होगा। अगर जनवरी 15 तक होता है तो आप इन आउटलाइंस को अच्छे से यूज़ करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर उससे ज़्यादा टाइम आपको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन नंबर फर्स्ट में, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, पहला वर्ड है एसोसिएशंस। एसोसिएशंस में क्या है, एस और उस पर सेशन की हुक मैंने लगाई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा वर्ड बनाना ही है, आप सिर्फ एस और उस पर सेशन की हुक लगाइए, ये एसोसिएशन हो जाएगा आपका। और एसोसिएशंस करना है तो एस पे सेशन की जो हुक लगी है उस पर एक सर्कल एस का लगा दीजिए, तो एसोसिएशंस हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप क्वा तो बनाते ही हैं, उसके बाद एस का सर्कल और टी पे एन की हुक लगाते हैं, तो एस का सर्कल और टी और एन की हुक ये हमें रिमूव कर देना है क्योंकि क्वा जैसा कोई और वर्ड होता ही नहीं।
एट द सेम टाइम। आप फोटो में देख रहे होंगे कि दो लाइन एक साथ मैंने पैरेलल खींची हैं, इसका मतलब यही है कि एट द सेम टाइम दो लाइनें एक साथ। तो एट की जो हमारी आउटलाइन होती है हमने उसको दो बार बनाया और एट द सेम टाइम हमारा तैयार हो गया। अब आई बात एग्जामिनेशन की, सेम एसोसिएशन की तरह ही सेशन की हुक इसमें लास्ट में लगाई है, और अगर एग्जामिनेशंस अगर ये हो जाता है तो सेशन की हुक पे एक और सर्कल एस का लग जाएगा। सिमिलरली इम्प्लीमेंटेड। अब ट्रांसक्रिप्शन नंबर सेकंड में देखिए रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम पूरा कैसे बनाएंगे, आर वी एन, एन पे यू का वावल। इतना सब करने की बजाय अगर हम आर को डबल करके यू की वावल लगा दें तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिए आर डबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आर अगर हाफ रहेगा, सिर्फ आर का स्ट्रोक अगर बनेगा और उस पर अगर आप यू का वावल लगाएंगे तो वो कभी कभार आप उसे रिवॉर्ड भी पढ़ सकते हैं, तो आर डबल बनेगा, इसका ध्यान दीजिए। इसके बाद आती है आउटलाइन अवेलेबल की। अवेलेबल में बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें वी एल की हुक लगा के मैंने इसको डबल किया है, वी पे एल की हुक लगाई है एंड इसे डबल किया है। अभी आप बोलेंगे कि हाउ एवर भी कुछ इसी तरीके से बनता है, तो उसके लिए मेरा जवाब है कि अगर हाउ एवर इस तरीके से बनता है तो फर्दर भी ऐसे ही बनेगा। हाउ एवर और फर्दर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक आप ग्रामेटिकली कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप डार्क और लाइट आउटलाइंस बनाना जारी रखें, और अगर आपने नहीं शुरू करी है तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट अपने में। अब हाउ एवर में वी पे आर की हुक लगी होती है, यहाँ पे वी पे एल की हुक है, तो जब आप इस वर्ड की प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि आपका हाउ एवर और अवेलेबल में डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे। अब बात आई इम्प्लीमेंटिंग की, सिंपल है एम एन प्लस एन जी लाइन से नीचे। अगला वर्ड है प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप देखेंगे पी आर, उस पे जी आर और एम हम लगाते हैं, लेकिन जो आउटलाइन मैंने यहाँ पे बनाई है क्या इस आउटलाइन जैसा कुछ और बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। तो सिंपल है पी आर और जी आर को डबल कर दीजिए, एम को हटा दीजिए, क्योंकि देखिए जितने आपकी हाथ की मूवमेंट होगी या जितना आपकी पेंसिल उठेगी उतना ही आपको दिक्कत होगी पेपर में, वर्ड सोचना ना पड़े, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन नंबर थ्री में मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे दो वर्ड मिले हैं, एक वर्ड पीछे से रिपीटेड है। पहला है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल में पूरा एन बनाने की बजाय सिर्फ अगर आप वी की हुक लगा देंगे दैट इज़ इनफ। मैं फिर से कह रहा हूँ शॉर्ट आउटलाइंस के लिए कोई रूल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप ये कहें कि इस पे एन की हुक लगनी चाहिए थी वी की क्यों नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आपको ज़्यादा ईजी लगे वही आपके शॉर्ट आउटलाइन है, समझिए इस बात को। फिर एट द सेम टाइम पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। अगला है ट्रांसक्रिप्शन नंबर फोर में एसेंशियल कमोडिटीज़। आप मैक्सिमम टाइम्स देखेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ साथ में ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है। एग्रीकल्चर का कुछ भी अगर मैटर आपके सामने आ गया तो उसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ साथ में आएगा। तो बजाय इसके कि मैं एसेंशियल लिखूँ और उसके बाद कमोडिटीज़ लिखूँ, कम का डॉट लगाऊँ देन डिसजॉइन करके देन उसके बाद डिटीज़ लिखूँ, मैं इसको एक साथ ही कर देता हूँ। इससे मेरा इस दो जगह पे मेरी पेंसिल बचेगी, एसेंशियल के बाद मेरे को पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है एंड डॉट के बाद मुझे पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एसेंशियल कमोडिटीज़ आप बना सकते हैं। वर्किंग, वर्किंग में मैंने क्या किया, नॉर्मल आप वर्क लिखते हैं डब्ल्यू की हुक लगाते हैं नीचे आर करते हैं फिर के एंड देन एन जी, उसमें से मैंने नीचे को जो आर बनता है आर की आर्क जो होती है उसको मैंने हटा दिया है, सीधा डब्ल्यू की हुक के और एन जी, ये हमारा हो गया वर्किंग। देन इम्प्लीमेंटेड पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्ट्रीब्यूशंस में, डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्यूशंस के लिए क्या करना होगा, सेशन पे अगेन एस की हुक आप लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ डी किया और उस पर सेशन की हुक लगा दी, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है दूसरा। आउटलाइंस में आपको वही दूंगा जिसका सिमिलर कुछ और नहीं होता है, तो आप आंख बंद करके इन्हों फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी,
मैं जीता जाता उदाहरण हूँ इसका, क्योंकि मैंने भी यही आउटलाइंस यूज़ करी हैं और मैं यही आउटलाइंस यूज़ करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को यही पढ़ाता हूँ। देन अगेन इम्प्लीमेंटिंग है, जैसे हमने पीछे इम्प्लीमेंटेड किया उसी तरीके से इम्प्लीमेंटिंग है। शायद मैंने पीछे इस चीज़ के बारे में डिस्कस एक बार कर चुका हूँ मैं। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5 में मुझे ऐसा कुछ खास वर्ड दिखाई नहीं दिया जो कि जिसका शॉर्ट आउटलाइंस बनाना है। अब इसके अलावा ये सारी पांचों के पांचों ट्रांसक्रिप्शन आपकी हो गई हैं। इन सब के अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और अच्छा वर्ड है इनको और छोटा करने के लिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते उसके जैसा कोई दूसरा वर्ड ना हो सिमिलर, कहीं ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम में एक्यूरेसी में दिक्कत आए। हमारा मेन टारगेट है एक्यूरेसी। स्पीड में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्यूरेसी से लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्ट वही होते हैं जो चीज़ों को डिफरेंटली करते हैं, ठीक है ना। बच्चे सारे स्पीड पे लिखते हैं लेकिन उनमें से एक्यूरेट कितने लिखते हैं, हम बहुत बार इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं या हम ग्रुप्स पे देखते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि इतने लाख ने दिया, इतने लाख स्किल के लिए आएंगे, इतने उसमें से इतने लाख को कुछ नहीं आती होगी स्टेनो, इतनों की स्पीड कम होगी, इतना सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं आपको फिर बोल दूँ, छोटी सी बात, जो असली कंपटीशन होता है वो सिर्फ 2000 स्टेनोस के बीच में होता है, सिर्फ 2000 स्टेनोस के बीच में, क्योंकि उस स्टेज तक पहुंचते ही सिर्फ उतने हैं, उसके बाद मार्क्स डिपेंड करते हैं, तब कट ऑफ बनती है। तो आप एक्यूरेसी पे फोकस करिए, अगर आपके पास कोई इससे अच्छी आउटलाइंस हैं तो उन्हें यूज़ करिए और शेयर करिए लोगों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। और जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ होमवर्क करने के लिए, आप उस तरीके से होमवर्क कंप्लीट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, या फिर रिटन एग्ज़ाम को लेके भी आपके कोई डाउट्स हैं किसी भी बोर्ड को लेके, चाहे वो कोर्ट हो या रेलवे हो, DSSB हो या फिर आपका SSC हो, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इमिडिएटली रिप्लाई करने की, और अगर मैं इमिडिएटली रिप्लाई नहीं भी कर पाता तो मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा उन सभी डाउट्स को लेके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे और एक अच्छे स्टेनोग्राफर बनेंगे। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल तक लेके आइए जिससे कि उनको फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कहता कि सब सब्सक्राइब करो या यहाँ पर आके ये करो वो करो, कुछ नहीं। जिसको इस चैनल की नीड है, जो क्लास नहीं ले सकते हैं, कि मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड्स थे जो क्लासेस नहीं ले सकते थे, तो मैं जब समझता हूँ इस चीज़ को, उन दोस्तों को आप यहाँ पे लेके आइए या उन तक ये चीज़ प्रोवाइड कराइए, या जो लोग ऑफिस जाते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, देखिए आधे से ज़्यादा टाइम तो आपका आने जाने में खर्च हो जाता है, तो उसको सेव करिए, एक रूटीन बनाइए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, दिमाग से इस चीज़ का फोबिया हटा दीजिए कि नहीं कोचिंग जाके एक मेरा माहौल तैयार हो जाएगा तभी मैं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली ऑडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से मेहनत करना, होमवर्क कंप्लीट करना और अगला टेस्ट की तैयारी करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।